बस्ती उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह उत्तर प्रदेश का सातवां सबसे बड़ा जिला भी है। प्राचीन समय में बस्ती कौशल राज्य के अधीन था। उस समय इस क्षेत्र पर घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ने की वजह से जंगल भी कटते गए और कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था और बस्ती नाम महर्षि वशिष्ठ ऋषि के नाम पर ही रखा गया है। मध्यकालीन युग में बस्ती पर जौनपुर के शासक ख्वाजा जहान का कब्जा था। बाद में मुगल काल के दौरान यह क्षेत्र गोरखपुर के शासकों के हिस्से में आया। उसके बाद नवाब सुजाउद्दीन दौला ने इस क्षेत्र पर काफी समय तक राज्य किया। हिंदी साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक गाँव में हुआ था। दोस्तों, बस्ती जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ घिरा हुआ है, जिसमें बस्ती जिला के उत्तर भाग की ओर सिद्धार्थ नगर जिला, दक्षिण भाग की ओर अयोध्या व अम्बेडकर नगर जिला, पूर्व भाग की ओर संत कबीर नगर जिला तथा पश्चिम भाग की ओर गोंडा जिला से घिरा हुआ है। लगभग 2688 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बस्ती जिला की कुल आबादी 24,64,000 है। इस 24,64,000 में 12,55,000 पुरुष तथा 12,09,000 महिलाएं मौजूद हैं। जाति धर्म के आधार पर बस्ती जिला में 84% हिंदू तथा 14% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। बस्ती जिला के मुख्य नदी का नाम कुवानो नदी है। कुवानो नदी के किनारे पर बसता बस्ती जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 204 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से लगभग 757 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आवागमन के दृष्टिकोण से बस्ती जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। बस्ती जिला में मुख्य रूप से 7 रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिसमें से बबनान रेलवे स्टेशन, टिनिच रेलवे स्टेशन, गौंड रेलवे स्टेशन, कोरवाड़ा रेलवे स्टेशन, मुंडरवा रेलवे स्टेशन, गोविंद रंगा रेलवे स्टेशन और बस्ती रेलवे स्टेशन। लेकिन इन सभी रेलवे स्टेशनों में से बस्ती रेलवे स्टेशन जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन माना जाता है, जिसका स्टेशन कोड BST है और बस्ती रेलवे स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म तथा 7 ट्रैक मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन लखनऊ गोरखपुर लाइन पर स्थित है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन की लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से गोरखनाथ एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, पूर्विया एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस जैसी कई तमाम ट्रेनें रोजाना गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर दो, सड़क मार्ग। बस्ती जिला सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश के लगभग कई जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 गुजरती है, जो कि संत कबीर नगर और फैजाबाद को जोड़ती है। इसके अलावा बस्ती बस स्टैंड के माध्यम से लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, दिल्ली आदि बड़े शहरों तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर तीन, हवाई मार्ग। वैसे तो दोस्तों बस्ती जिला में कोई भी हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ का सबसे निकट में स्थित एयरपोर्ट गोरखपुर का है, जो कि यहाँ से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बस्ती जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बस्ती जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने का स्थान है जो कि बस्ती जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, संत रविदास वन विहार। संत रविदास वन विहार कुवानो नदी के तट पर स्थित है। यह वन विहार जिला मुख्यालय से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर एक आकर्षण का बाल उत्थान व एक बड़ा सा झील है। इस बाल उत्थान और झील की स्थापना सरकार द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में किया गया है। वन विहार के दोनों तरफ कुवानो नदी बहती है, जो इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। यहाँ पर मौजूद झील में आप टीमर नाव द्वारा नौका विहार का भी मजा ले सकते हैं। संत रविदास वन विहार बस्ती जिला के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर दो, भदेश्वर नाथ। कुवानो नदी के तट पर जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर भदेश्वर नाथ मंदिर है।
यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना रावण ने की थी। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। काफी भारी मात्रा में शिव भक्त इस मेले में आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। नंबर 3, चंदोताल। चंदोताल जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि प्राचीन समय में इस जगह को चंद्रनगर के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद यह क्षेत्र प्राकृतिक झील के रूप में विकसित हो गया और उसके बाद इस जगह को चंदोताल के नाम से पहचाने जाने लगा। यह झील 5 किलोमीटर लंबी तथा 4 किलोमीटर चौड़ी है। माना जाता है कि पहले इसके आसपास रहने वाले मछुआरों को धातु से बने कई आभूषण प्राप्त हुए थे। चंदोताल प्रवासी पक्षियों के लिए एक स्वर्ग समान स्थान है। दूर दूर से विभिन्न प्रकार की पक्षियां यहां पर आते हैं। चंदोताल बस्ती जिला के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 4, बेहिलनाथ मंदिर। बनकटे विकास खंड में बस्ती शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर बेहिलनाथ मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ बौद्ध काल का प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर अगौना नाम का एक गांव है जो कि जिला मुख्यालय मार्ग पर राम जानकी नगर मार्ग पर बसा हुआ है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म इसी अगौना नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा बस्ती शहर में और भी कई सारे घूमने के स्थान है जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और साथ में कृषि आधारित छोटे छोटे अस्त्री उद्योग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस जिले में 3 चीनी मिले मौजूद है और यहाँ के मुख्य फसलें धान, गन्ना, गेहूं आदि हैं। इसके अलावा बस्ती जिला कुटीर उद्योग के मामले में काफी आगे है। मिट्टी के बर्तन, मोमबत्ती, साबुन बनाने के उद्योग, ईंट उद्योग जैसे कई छोटे बड़े रोजगार मौजूद है। लेकिन यहाँ पर बड़ा उद्योग न होने के कारण यहाँ के वासी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो बस्ती जिला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज में क्रमा देवी स्मृति महाविद्यालय, अंबिका प्रताप नारायण पीजी कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, राजन महिला कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, ये सभी बस्ती जिला में मौजूद है जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, भोजपुरी व अवधी है। इसके अलावा यहाँ की खास बात यह है कि बस्ती जिला की 18% आबादी शहरों में रहती है, बाकी 82% आबादी आज भी बस्ती जिला के गांवों में रहकर अपना जीवन यापन करती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बस्ती जिला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।